सब्सक्राइब करें आर के सर्विस सेंटर चैनल को और दबाइए बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो से रिलेटेड जो बातें हैं, आज की जो वीडियो बनाने का मकसद जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस का जब पूरा इंजन होता है तो पूरे इंजन में क्या क्या होता है, यानी क्या क्या पार्ट पड़ता है और क्या नहीं पड़ता है। और फ्रेंड, जब हीरो होंडा का यानी ये पूरा इंजन होता है तो उसमें देखो पूरा चेकअप होता है, यानी कोई गेयर वेयर तो खराब नहीं है या फिर कुछ बैरिंग वैरिंग खराब तो नहीं है या क्रैंक शाफ्ट तो खराब नहीं है, ठीक है ना। देखो ये तो सिर्फ चेक होता है, गेयर एंड बैरिंग एंड अदर चीज जो भी देखो जो पड़ता तो इसमें देखो ये क्रैंक शाफ्ट पूरे इंजन में क्रैंक शाफ्ट नहीं पड़ती है, यानी ये जो क्रैंक की असेंबली है ये यहाँ से यहाँ तक, और ये पिन इसमें एक बैरिंग होता है ये नहीं पड़ता पूरे इंजन में, और इसके जो ये जो बैरिंग होते हैं ये मेन बैरिंग क्रैंक शाफ्ट के बैरिंग होते हैं ये नए पड़ते हैं। ये पूरे इंजन की बात बता रहा हूँ मैं कि पूरे इंजन में क्या क्या पड़ता है, ठीक। सबसे पहले इंजन के मेन चीज से, और उसके बाद ये पैकिंग किट, पूरी पैकिंग किट नहीं पड़ती है। गियर सिर्फ चेक होते हैं, जो खराब होता है वो चेंज होता है और जो खराब नहीं होता है वो अपने आप रहता है, और वैसे गियरों में शिकायत कम होती है, ठीक है फ्रेंड। हाँ बढ़िया है फ्रेंड। दूसरी बात यह है कि इसमें जो पड़ता है ना, देखो क्रैंक शाफ्ट तो वो होनी है, क्रैंक शाफ्ट मेन बेयरिंग एंड उसका पैकिंग किट, ठीक। अब सेकंड नंबर पे इसके रिंग एंड पिस्टन, फुल इंजन में रिंग पिस्टन नए पड़ते हैं, ठीक है ना। हेड के वाल्व, यानी हेड के वाल्व ये जो यहाँ पर को होते हैं, ये वाल्व निकल नहीं रहा है जो यहाँ से जाम हो गया है, तो ये थोड़ा घिसने के बाद यहाँ से जाम हो गया है ऊपर से, क्योंकि फैल गया है ये, तो ये निकल नहीं रहा तो मैंने निकाला नहीं है, तो यहाँ पर इतना अटक गया था तो तब निकल नहीं रहा, तो इसके जो हेड के बाल होते हैं ये हेड के बाल नए पड़ते हैं, ठीक पूरे इंजन में, ठीक हो गया फ्रेंड। और रिंग पिस्टन हो गए, इसकी किट जो होती है तो किट पूरी उसमें ही होती है, और रिंग पिस्टन नए तब पड़ते हैं तब अगर स्टैंडर्ड नंबर है, 25 नंबर है, 50 नंबर है तब नए पड़ते हैं, अधिकतर 70 नंबर तक नहीं पड़ता है। वैसे 100 नंबर का पड़वाना तो बेकार बात होती है, ये सड़े दो, ये किट नहीं पड़वा दें तो अच्छा ये पे जाता है, अच्छा पिकअप और अच्छी लाइफ मिलता है। और फ्रेंड ये जो हेड का जो बाल है जो निकल नहीं रहा है बाहर को, इसका जो कारण है ना, ये देख रहे हो आप, ये टेपिट स्क्रू है और जो ये कट चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से, जो आपको दिख नहीं रहा होगा ये कितना कट गया है, ये यहाँ पर थे और इसमें इतनी आवाज आ रही थी किट 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 बहुत ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा कटता है कि जब इंजन ऑयल सूख जाता है इंजन में तब जाके ये कटता है, तो इसलिए आपको इंजन ऑयल का ध्यान रखना पड़ता है। हर महीने टॉपअप चेक करें अपनी बाइक का, ठीक, अपनी मोटरसाइकिल का हर महीने टॉपअप चेक करें, ऑयल लेवल चेक करें और ऑयल लेवल चेक करते रहें हमेशा, क्योंकि इंजन ऑयल ही चेक करने में तो एक मिनट ही खर्च होता है पर गाड़ी सेफ रहती है। और ये जो केस हुआ था ये ऑयल ना होने के कारण केस हुआ था जिसका इंजन डैमेज हो गया, वैसे बहुत बहुत दिन हो गए क्योंकि ये 10 साल, 2010 मॉडल है और 10 साल हो गए गाड़ी को, 10 साल में पहली दफा इंजन हो रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड का पिस्टन, ठीक है ना फ्रेंड। तो हम बात कर रहे थे क्या सामान पड़ता है पूरे इंजन में, ठीक है ना, क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन विस्टन या हाफ इंजन का सामान बता दिया ना। और अब इसका क्लच में ये जो होता है, देखो फ्रेंड क्लच की प्लेटें तो 100% पड़ती हैं, ये जो प्लेटें होंगे ना ये क्लच प्लेटें पूरे इंजन में पड़ती हैं, प्लस इसके एक डैम्पर होते हैं यहाँ पर, वो क्लच होजिंग रबड़, वो इसकी खराब नहीं है, वैसे वो जिस गाड़ी खराब होती हैं वो पड़ती हैं हमेशा। और इसके जो क्लच सेंटर हैं, यानी जैसे कि ये क्लच सेंटर, ये सिर्फ चेक होते हैं, अगर खराब होते हैं तो बदलने पड़ते हैं ज़रूरी, और ना तो इनका कोई ज़रूरी नहीं है, ये ओरिजिनल होते हैं और ये खराब नहीं है, बिल्कुल सही है फर्स्ट क्लास। इसकी सिर्फ क्लच प्लेटें पड़ेगी और कोई सा भी सेंटर खराब नहीं है, ना ये सा सेंटर खराब है, सिर्फ क्लच प्लेटें खराब हैं, और प्रेस प्लेटें भी इसकी यही पड़ेंगी। और आपको ध्यान रखना पड़ता है इसका एक ये प्राइमरी गियर, क्योंकि एक बार गाड़ी सूखी चलने से ये आवाज़ बहुत करता है, साँ आवाज़ आती है गाड़ी में से, यानी गियर डालने के बाद आवाज़ आती है बहुत, तो अगर गाड़ी में ज़्यादा आवाज़ है तो आप इस गियर को बदल सकते हैं, तब ज़्यादा आवाज़ है, अगर मैक्सिमम आवाज़ है तो नया ऑयल डालने के बाद आवाज़ नहीं आती है, यानी थोड़ी ही आवाज़ होती है, तो ऑयल डालने के बाद नया ऑयल पड़ने के बाद आवाज़ ख़त्म होती है, तो ये होता है, ठीक है ना। और बस
यही कुछ होता है जो पूरे इंजन में पड़ता है, यानी देखो क्रैंकशाफ्ट एंड मैन बैरिंग एंड रिंग पिस्टन पैन किट वाल्व किट और ये क्लच प्लेट है और एक टाइमिंग चेन किट पड़ती है। जो टाइमिंग चेन किट हमने इसकी टाइमिंग चेन किट यहाँ पर रखी है, ये टाइमिंग चेन रूलर, ये टाइमिंग चेन छोटा रूलर एंड ये गलारी और इसमें टाइमिंग चेन तो इसमें नहीं है, टाइमिंग चेन हमने पता नहीं कहाँ रख दी है। और ना फ्रेंड ये टाइमिंग चेन किट पड़ती है जो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड, बाय।